मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव में प्रचार को लेकर पूर्व सीएम कमलनाथ ने कांग्रेस की ओर मोर्चा संभाल रखा है, तो वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भी लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं। और संयोग ये रहा कि दोनों वरिष्ठ नेता रविवार को एक साथ चुनाव प्रचार के लिए खंडवा पहुंच गए। देखिए फिर आगे क्या हुआ। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ खंडवा का दौरा कर जनसभा में शामिल हुए। खंडवा पहुंचते ही कमलनाथ ने दादाजी धूनी वाले मंदिर पहुंचकर दर्शन किए, पूजा अर्चना की और आहुति भी दी है। उन्होंने खंडवा शहर के व्यापारियों से मुलाकात भी की है। व्यापारियों के साथ मुलाकात में उन्होंने कहा कि शहर के विकास के लिए एक प्लानिंग और व्यवस्थित योजना बनानी चाहिए। किसी भी शहर को विकसित करने से पहले प्लानिंग जरूरी है, लेकिन वर्तमान सरकार बिना प्लानिंग के विकास की बातें करती है। कमलनाथ ने मीडिया से चर्चा करते हुए ओवैसी के बयान का भी जवाब दिया है और कहा है कि मैं तो 42 साल से जीत रहा हूं, लेकिन आप जिसकी मदद कर रहे हैं छुप कर मदद कर रहे हैं, यदि मदद करना है तो खुलकर सामने आइए। अगर मदद करनी है साफ करिए, छिप के क्यों कर रहे हैं, नीचे से क्यों कर रहे हैं, पीछे से क्यों कर रहे हैं, साफ मदद करना चाहते हैं जिसकी करिए जाके। आपको वोट पड़ने से आपको कोई कांग्रेस आपकी कोई पार्टी जीतने वाली नहीं है, पर आप अंत में भाजपा को मजबूती दे रहे हैं। आप शिवराज से मिले हुए हैं। मध्य प्रदेश के बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा ने भी खंडवा का दौरा किया है, जहां पर भारतीय जनता युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं ने वीडी शर्मा का जोरदार स्वागत किया है। बारिश के बीच ही उत्साहित युवा मोर्चा ने वाहन रैली निकाली है। रोड शो करते हुए वीडी शर्मा भी कार्यकर्ता सम्मेलन तक पहुंचे और कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाया है। बीजेपी उम्मीदवारों को जिताने के लिए वोटरों से अपील भी की है, साथ ही साथ बीजेपी की जीत का दावा भी किया है। खंडवा से अमित जायसवाल के साथ टीम न्यूज स्टेट। नगरीय निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियां ताबड़तोड़ चुनावी सभा कर रही हैं। ऐसे में पूर्व सीएम कमलनाथ भी कांग्रेस के लिए चुनावी सभाएं कर रहे हैं। बुरहानपुर में कमलनाथ ने महापौर प्रत्याशी के लिए चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा और कांग्रेस प्रत्याशी के लिए जनता से वोट की अपील की। जैसे आपके प्रतिनिधि मुझे मिलते थे, जब बात करी थी टेक्सटाइल पार्क की, यहाँ तो कपास का केंद्र है हमारा बुरहानपुर। टेक्सटाइल पार्क नहीं बन पाया 15 सालों में, 20 सालों में, 18 साल कौन सी भाजपा की सरकार रही। आज यहाँ आने के कारण क्यों नहीं होता, क्योंकि सोच नहीं, कोई विजन नहीं। हमारा खंडवा 10 साल बाद क्या होगा, 10 साल पहले खंडवा क्या था, कैसे बनना पाया। बात मुरैना की, जहां केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने रोड शो किया। उन्होंने बीजेपी पार्षद प्रत्याशियों के समर्थन में वोट की अपील की। केंद्रीय मंत्री के साथ अंबाह विधायक कमलेश जाटव, ऊर्जा विकास निगम अध्यक्ष गिरिराज डंडोतिया भी मौजूद रहे। इस दौरान केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने प्रत्याशियों और कार्यकर्ताओं में उत्साह भरा। बता दें कि यहां पोरसा नगर पालिका के 15 वार्ड में बीजेपी प्रत्याशी चुनाव मैदान में। निकाय चुनाव के पहले चरण के लिए जोर शोर से प्रचार किया जा रहा है। दिग्गज नेता अपने प्रत्याशियों को जिताने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। भोपाल में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह भारी बारिश के बावजूद प्रचार करते दिखे। वार्ड 8 में कांग्रेस प्रत्याशियों के समर्थन में रोड शो किया। बारिश के बीच पैदल चलकर कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में लोगों से मतदान की अपील की। उदयपुर की घटना में बीजेपी के कनेक्शन को लेकर कैलाश विजयवर्गीय का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि ये सुनियोजित षड्यंत्र है, हमारे यहां ऑनलाइन सदस्यता मिल जाती है, इसलिए पहले आरोपियों ने सदस्यता ली, नेताओं के साथ फोटो खिंचवाए, फिर घटना को अंजाम दिया। यूपी में यह हुआ होता तो अब तक बुलडोजर चल गए होते। उदयपुर की घटना जो हुई बहुत ही दर्दनाक, बहुत ही कांग्रेस उसको एक सामान्य कत्ल मान रही है, वो सामान्य कत्ल नहीं, वो आतंकी स्वरूप है, समाज में आतंक फैलाने का।
बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय का मानना है कि मदरसों में कुरान पढ़कर कोई डॉक्टर और इंजीनियर नहीं बन सकता। मदरसों में धर्म की शिक्षा के साथ तकनीकी शिक्षा भी दी जानी चाहिए, तभी वहां के छात्र डॉक्टर और इंजीनियर बन सकते हैं। इसके साथ ही विजयवर्गीय ने उदयपुर में हुई घटना की निंदा करते हुए कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। विजयवर्गीय ने कहा कि उदयपुर में हुई घटना सामान्य घटना नहीं है और इस घटना के तार आतंक से जुड़े हैं। लोगों को पता लग चुका है कि कांग्रेस के राज में कोई सुरक्षित नहीं रह सकता। पर कोई प्लानिंग से हत्या करे, वीडियो बनाए, दिखाए, इसका मतलब है कि समाज के अंदर वो आतंक को फैलाना चाहे। अब उनके तार कहां से जुड़े हुए ये भी आपने आपको पता लग गया है। ये जो ताकतें हैं जो देश को दुनिया के अंदर बदनाम करना चाहती है और अब उसको राजनीतिक संरक्षण नहीं मिलना चाहिए, सबसे बड़ी बात ये। मैं आपसे ही पूछता हूं कि कहीं ये घटना उत्तर प्रदेश में होती तो क्या होता, आप बताइए। ये सरकार, राजनीतिक दल, उनकी नीति और नियत का सवाल। अब तो ये समझ में आ गया ना कि ये कॉन्स्पिरेसी की तरह आया, पूरा एक षड्यंत्र है। तो अब इस कार्यालय में उसको कुछ घटना करनी है तो क्या करेगा वो? पहले बीजेपी की ऑनलाइन सदस्यता लेगा और कहेगा कि मैं बीजेपी का सदस्य हूं।